फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स विलेन मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टैट प्रो। हम लोग इसको देखने वाले हैं व्हाट इज स्टैट प्रो एंड क्या क्या लिमिटेशंस हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैट प्रो एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टैट प्रो। आप सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। किसी भी ऑफिस में जाओगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की स्टैट प्रो, दे आर गोइंग टू यूज स्टैट प्रो। यू नो व्हाई? बिकॉज देर आर मल्टीपल प्लगइन्स इन स्टैट प्रो। बहुत ढेर सारे प्लगइन्स हैं स्टैट प्रो में जिनको आप बहुत इजिली एक्सेस कर सकते हो। जैसे स्टैट फाउंडेशन, दैट इज वेरी गुड प्लग इन एक्चुअली। आरसी डिजाइनर मीन्स एडवांस कंक्रीट डिजाइन, जिसको हम लोग टॉपिक बोलते हैं, ये सारे उसके अंदर इंक्लूडेड है और उसको हम लोग यूज करके इजिली उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं सैगिंग आ रहा है क्या, हॉगिंग आ रहा है क्या, डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, फेल हो रहा है क्या, पास हो रहा है क्या। और स्टील, जो हमारे स्टील है, स्टील का तो इतना बेहतरीन डिजाइन करके दे देता है कि भाई इतना इतना मेंबर्स का ये साइज आने वाला है। ये सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं लैपटॉप में, मैंने पीपीटी में दिखाया हुआ है कि हम लोग एग्जैक्टली व्हाट इज स्टैट प्रो एंड व्हाट आर द एडवांटेज। तो देखिए और समझिए कि ओके आपका शायद डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू स्टैट प्रो। अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट में जरूर करिएगा, क्योंकि आज के ही दिन 9:30 पर यूनिंग में हम आने वाले हैं आपके साथ लाइव। और नॉट ओनली स्टैट प्रो, व्हाट एवर यू वांट यू कैन आस्क रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग लाइक ईटैप्स, स्टैट प्रो, बीम और एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव। तो आप लोग आइएगा 9:30 पे, हम लोग 9:30 पे यहाँ पे क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्लास इन द सेंस लाइव लेक्चर्स होगा। सो व्हाट एवर योर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू गिव यू आंसर्स। तो इस तरीके से होने वाला है, बट पहले हम लोग चलते हैं स्टैट प्रो के बारे में देखते हैं। व्हाट इज स्टैट प्रो? स्टैट प्रो इज अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज टू एनालाइज एंड डिजाइन आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव कंट्री कोड। मतलब हम अपने कंट्री के कोड के अकॉर्डिंग आरसीसी और स्टील की डिजाइनिंग कर सकते हैं इसमें। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर बाय सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स। इट हेल्प टू ऑटोमेटिक देयर टास्क बाय इलिमिनेटिंग द टेडियस एंड लॉन्ग प्रोसीजर्स ऑफ मैनुअल मेथड। बहुत इजी कर देता है, ये स्टैट प्रो की सबसे अच्छी खासियत है। सेकेंड थिंग आपको मैं एडवांटेज के बारे में बताता हूँ, एडवांटेज ऑफ स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी मैनुअल कैलकुलेशन। The visual interface is user friendly. आप सबने देखा होगा स्टैट प्रो बहुत ही user friendly है। It is based on the latest programming technology that enable to create of an exact 3D model exact 3D model of the required building of the structures. It is suitable for almost all types of material including concrete, steel and aluminium etc. और इसके साथ ही साथ फास्टर मेथड ऑफ डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर्स बहुत इजीली कर सकते हो। दिस सॉफ्टवेयर कंटेन्स ऑल द नेसेसरी टूल्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन स्ट्रक्चर्स। इट वर्क्स इन सिंक विद अदर प्रोग्राम्स सच एज स्टैट प्रो फाउंडेशन, स्टैट प्रो ऑफसोर्स एंड रैम फॉर द डिजाइनिंग फाउंडेशन। ऑफसोर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ एंड स्टील स्ट्रक्चर्स अदर देन बिल्डिंग्स, ब्रिज, पाइप, सीयर वॉल्स एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी डिजाइन। ये सब अलग अलग प्लगइन्स है, स्टैट प्रो ऑफसोर्स है और स्टैट प्रो फाउंडेशन है। फाउंडेशन तो हम लोग अपने सिलेबस में भी कवर करते हैं क्योंकि वो इजिली मिल जाता है। और ये सब ऐड करके आप क्या कर सकते हो, मेथड सेम रहता है, स्ट्रक्चर्स आप पाइप और सीयर वॉल तो हम लोग डिजाइन करते हैं, ब्रिज, ये सारी चीज़ें को डिजाइन कर सकते हो। इट कैन बी यूज टू कैलकुलेट रेनफोर्समेंट फॉर कंक्रीट बीम्स एंड सीयर वॉल्स। हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं रेनफोर्समेंट कितना लग रहा है, ठीक है, बीम में, कॉलम में और सीयर वॉल में। लार्ज वैरायटीज ऑफ डिजाइन कोड्स आर अवेलेबल व्हिच डिटरमाइंस ड्रिफ्ट, डिफ्लेक्शन एंड डेप्थ ऑफ एनी कंस्ट्रक्ट। लगभग 21 कंट्रीज के कोड्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो उन सारे 21 कंट्रीज के कोड के अकॉर्डिंग तुम डिजाइन कर सकते हो। इट इज डेवलप्ड विद एन ओपन आर्किटेक्चर कॉल्ड ओपन स्टैट। Pre-built model of different structures are available for remodeling purpose. बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आपको पहले से टेम्पलेट रखे हुए हैं, ब्लॉक रखे हुए हैं, यू कैन यूज न्यू टेम्पलेट कैन ऑल्सो बी एडेड एज पर रिक्वायरमेंट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो उन टेम्पलेट्स को एक बार सेव कर लो, बार बार आप उनको यूज कर सकते हो।
वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर्स VBA परमिट्स यू टू क्रिएट योर ओन डिजाइन एंड टेम्पलेट्स. ये बहुत अच्छा रहता है कि आप खुद से अपना मॉडल तैयार कर सकते हो. वी कैन गेट सीयर एंड मोमेंट्स वैल्यूज एट एवरी 1/8 सेक्शंस ऑफ द मेंबर्स. मतलब अगर 10 मीटर्स का है तो हर एक पॉइंट्स पे आप क्या कर सकते हो, 10 / 12, हर एक पॉइंट पे आपको सीयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पता चल जाता है कि कितना कितना आने वाला है. फॉर डिजाइनिंग फॉर सेस्मिक डिजाइन बोथ स्टैटिक एनालिसिस एंड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कैन बी परफॉर्म. दोनों मेथड हम लोग करते हैं और करके देख सकते हैं. यू कैन डिजाइन स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स सच एज डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड एक्सेट्रा. और इसके साथ ही साथ दोस्तों इंटरनेशनल कोर्स आर अवेलेबल. जैसे मैंने आपको बताया द रिजल्ट्स आर स्टडी. डिजाइन कैन बी इम्प्रूव्ड फ्रॉम ऑटोकैड. मतलब ऑटोकैड से इंपोर्ट कर सकते हो इजिली और इसके अंदर उसको मॉडल बना सकते हो. इजी टू लर्न, बहुत ही इजी है स्टैटफ्रॉक को सीखना. लेकिन कुछ लिमिटेशंस हर एक सॉफ्टवेयर की होती हैं, तो इसकी भी कुछ सॉफ्टवेयर्स इसकी भी कुछ लाइक लिमिटेशंस है. इट गिव्स अन इकोनॉमिकल रिजल्ट फॉर मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स. तो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, कभी कभी स्टील बहुत ज़्यादा बताने लगता है. और इसके साथ ही साथ लिमिटेशंस इन मॉडलिंग, इतना भी लाइक खतरनाक मॉडलिंग नहीं कर सकते हो, बट जितना बिगनर लेवल पे आता है उतना दैट बहुत अच्छा कर सकते हो. इंटरमीडिएट तक बहुत अच्छा कर सकते हो. कर बाउंड्री, पैराबोलिक बीम्स एल्सेट्रा कैन नॉट बी मॉडल्ड इफेक्टिवली एंड एनालाइज इफेक्टिवली. ये थोड़ा सा कर सकते हैं. एनालाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कैन बी टेडियस, रिक्वायर प्रॉपर स्किल्स. प्रॉपर डिटेलिंग्स ऑफ रिपोर्ट्स इज नॉट अवेलेबल. जितना अच्छा डिटेलिंग्स चाहिए उतना अच्छा लाइक बीम का कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग नहीं देता है. इसीलिए हम लोग अपने कोर्स के साथ RCDC को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये काम उसका वहाँ से ख़त्म कर देता है. ये तो RCDC ये काम बहुत अच्छे से कर देता है. नॉट फॉर ब्रिक मेजनरी वर्क्स, नॉट फॉर कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन. मतलब ब्रिक मेजरिंग वर्क के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं और न ही कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन के लिए करते हैं. तो हम उसके लिए ही ऑप्शन में रखे हुए क्या RCDC, जिसमें हम लोग कॉस्टिंग, एस्टिमेशन और साथ ही साथ BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं. तो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं इसके, और साथ ही साथ मेरा कोशिश था कि मैं आपको बताऊं कि इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं. दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आ गया होगा कि ओके ये लिमिटेशंस होती हैं, इसमें कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते हैं, बट एडवांटेज क्या है कि एक्यूरेसी है, कई ढेर सारे कंट्रीज के कोड्स हैं और उसके साथ छोटी बिल्डिंग को बहुत ही जल्दी डिजाइन कर सकते हैं. सो हमेशा मैं बिगनर्स को प्रीफर करवाता हूँ कि आप स्टैटफ्रो सीखो, क्योंकि बिगनर्स इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर पाते हैं अपने, और जो काम ये नहीं कर पाता है उसको मैं RCDC से करके दिखा देता हूँ. सो RCDC और स्टैट के हम लोग इनबिल्ड करके रखते हैं, इसीलिए हम लोग इसकी संडे को बैच रख रहे हैं. संडे से हम लोग की बैच स्टार्ट हो रही है. आप सबको मैंने मेल किया था, उसका जो सिलेबस वगैरह सब कुछ मेल किया हुआ है. तो जिसके पास सिलेबस नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे कमेंट कर सकते हैं सर मेरे पास नहीं है, या फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए अगर सिलेबस आपको नहीं पहुँचा है तो, फटाफट मैं आपको ईमेल आईडी पे आपके शेयर कर दूंगा. साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा आज इवनिंग में 9:30 पे मैं कौन से टॉपिक पे डिस्कस करूँ रेदर देन स्टैट प्रो. तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बताएंगे, बट और कौन से टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करें प्लीज कमेंट करना. अगर आपको लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक में, इस प्रोफाइल में, इस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रही है, अपने डाउट्स को नीचे जरूर लिखना, जिससे कि हम लोग यूनिंग में उस टॉपिक को भी प्रीफर कर सके और आगे बढ़ सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज फीडबैक जरूर दिया करिए. फीडबैक में ये भी जरूर बताइए कि सर ये टॉपिक्स नेक्स्ट टाइम मेंशन करिए. होता क्या है कि नेक्स्ट मैं आगे जरूर उसको क्या करूंगा, मेंशन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम लोग वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, तो हम मतलब मेरे जैसे लोग तो ऑफकोर्स हम आपके ही कमेंट्स को पढ़ते हैं. ओके, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अच्छे से अगर आपको मुझे आप तक पहुंचना है तो इसका यही तरीका है कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं. सो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन बताइएगा कि आपको मैं यूनिंग में कौन से क्वेश्चंस पर डिस्कस करूं. साथ ही साथ लाइव आना मत भूलना 9:30 यूनिंग टुडे. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.